Namaste guys. So welcome back to my channel. My name is Gitika. I'm your host for today. And मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ आपके फेवरेट शो बिग बॉस के अपडेट्स और हाइलाइट्स के बारे में जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा. तो अभी हम देखने वाले हैं कि बचे हुए जो भी कंटेस्टेंट्स थे जिन्होंने भी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए और जो भी यू नो तोहमतें लगाई इसके बारे में हमारे यू नो फेवरेट एक्टर सलमान खान जी का क्या कहना है और वो कैसे सबकी क्लास लेंगे, कैसे सबकी बैंड बजाएंगे. सो ये एपिसोड जो है आपको बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है. और इसमें सबसे पहले सलमान खान जब एंटर करेंगे स्टेज पे तो वो सारे कंटेस्टेंट से यू नो मिलते हैं अपने बिग स्क्रीन के थ्रू. और वो आप देखेंगे कि सबसे पहले तारीफ़ करते हैं दिखेंगे जो कि है राखी सावंत की. राखी सावंत एक ब्लू कलर के गाउन में एक्सट्रीमली प्रिटी लग रही हैं और वो उनकी तारीफ़ करेंगे और उनको एक कॉम्प्लीमेंट देंगे कि राखी आप इस गाउन में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी लग रही हो. जो सुन के राखी सावंत यू नो सातवें आसमान में पहुँच जाएंगी एंड शील बी लाइक थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. तो उसके बाद सलमान खान जी के पास एक मुद्दा है और वो ये मुद्दा उठाएंगे पर्सनल हाइजीन को लेकर घर वालों के सामने और उस पर वो सबकी बैंड बजाएंगे. तो सलमान खान जी एक उनको एक सुझाव देंगे घर वालों को कि कृपया करके पर्सनल हाइजीन जैसे टॉपिक्स जो कि बहुत ही यू नो बहुत ही छोटी और ऐसी ओछी बात है वो कृपया करके नेशनल टेलीविजन पर ना लेके आए. और ये सुनकर के सारे घर वाले हामी तो भर देते हैं उनके बातों में. और उसके बाद वो क्या समझते हैं क्या नहीं समझते हैं ये आप देखिए. तो ये वो लेके आएंगे. उसके बाद वो बुलिंग के टॉपिक पे बात करेंगे और वो एजाज को बोलेंगे कि आप फॉल्स नैरेटिव लेकर के आए हो. तो उनका इशारा इस बात की तरफ है कि आखिर ये फॉल्स नैरेटिव लाया कौन है और एजाज के ऊपर ये क्यों आ रहा है. तो एजाज बिल्कुल ही कंफ्यूज लगेंगे कि सलमान खान जी उनको एक्चुअली बता रहे हैं कि उन्होंने फॉल्स नैरेटिव लगाया है. तो ये देखिए आप मज़ेदार सा एक रिएक्शन देने वाले हैं एजाज. तो सलमान खान क्लियर करने वाले हैं कि एक्चुअली फॉल्स नैरेटिव है क्या. तो सलमान खान जी जैसे ही आएंगे तो सबसे पहले वो निकी तंबोली को भी डांट लगाने वाले हैं और निकी तंबोली अपने फुल ऑन एटीट्यूड में बोलने वाली है कि मैं राखी का बेड नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है. तो सलमान खान जी निकी तंबोली को काफ़ी डांट लगाएंगे और इनडायरेक्टली उनको लफ्ज़ों में ये निंदा करते हुए दिखेंगे कि कोई भी काम छोटा नहीं होता. और ये कहने के बाद निकी तंबोली बोलेगी कि मैं अभी भी उसका कोई भी बेड नहीं बनाऊंगी, बाकी घर वालों का बेड, क्योंकि उनको एक टास्क दिया गया था और उस टास्क के तहत उनको घर वालों के सारे बेड बनाने थे, मतलब रजाई तय करनी थी एंड ऑल, जो कि उन्होंने सबका किया. बट स्पेशली उन्होंने दो दिन तक राखी को इग्नोर किया, जिसका घर वालों ने भी उनको काफ़ी समझाया कि भाई आप करिए क्योंकि आपको टास्क दिया गया है एंड ऑब्वियसली किसी को भी ये बुरा लग सकता है. मगर निकी तंबोली अड़ी हुई है और ये देखने के बाद सलमान खान पर्सनली जाकर के बिग बॉस हाउस के अंदर अपने हाथों से राखी सावंत का बेड लगाएंगे और बहुत ही प्यार से उनकी रजाइयां फोल्ड करेंगे, पिलो को पिलो कवर में डालेंगे, बिल्कुल बेड क्लीन करेंगे. सारे घर वाले ये देखते हैं एक्सट्रीमली शॉक्ड हो जाते हैं और उनका रिएक्शन सॉरी सर ये वो लगा रहेगा. लेकिन सलमान खान सबको एक वार्निंग देके जाएंगे कि कोई भी काम छोटा नहीं होता. और निकी का चेहरा देखने लायक बना है इसमें और वो बहुत ही यू नो ऐसी सैड सी शक्ल बनाती हैं कि उनको काफ़ी कुछ समझ में आया. लेकिन ये तो हम बाद में देखेंगे कि निकी तंबोली कैसे बिहेव करेंगी आने वाले एपिसोड्स में. सो सलमान खान वहाँ से एंट्री लेते हैं, बाहर स्टेज पे वापस जाते हैं उनका बेड बनाने के बाद. और उसके बाद वो फॉल्स नरेशन के स्टेटमेंट पे आएंगे और वो क्लियर करेंगे शो में कि आखिर ये तोहमत है क्या, लगी क्यों और ये सही थी या गलत थी. तो वो सबसे पहले बोलेंगे निकी तंबोली को कि आपने राखी सावंत को अनइक्वली ट्रीट किया है जो कि बिल्कुल गलत है और वो ये बात क्लियर करेंगे निकी को. निकी बाद में वो बात एक्सेप्ट करेंगी और शायद उनको सॉरी फील होगा. उसके बाद वो रुबीना जी से ये पूछेंगे कि रुबीना आखिर ये फॉल्स नैरेटिव है क्या और आपने ये तोहमत लगाई क्यों थी. तो रुबीना जी कुछ दबे हुए लफ्ज़ों में अपने आप को क्लियर करती हुई करने की कोशिश करेंगी. लेकिन उनके बोलने से पहले एक बहुत ही मज़ेदार वाक्या होने वाला है जिसमें उनके अपने मतलब जो उनके बेटर हाफ है अभिनव शुक्ला वो उनके बिहाफ पे बोलने की कोशिश करेंगे और उनको सलमान खान जी बोलेंगे कि आप उनका माउथ पीस नहीं हो इसलिए शांत हो जाओ और रुबीना को बोलने दो. तो रुबीना आगे बोलेंगी कि उनके ऊपर सबसे पहले एजाज ने काफ़ी पहले बोला था कि वो और जैस्मिन कलर्स के फेसेस हैं जो कि गलत स्टेटमेंट है. और अभिनव के जाते ही अगर अभिनव घर से बाहर हुआ तो घर में अकेले रुबीना का गेम प्लान चलेगा, ऐसी तोहमत एजाज ने उन पे लगाई है.
तो ये बोलने के बाद सलमान खान जी ये क्लियर करेंगे कि आखिर फॉल्स नैरेटिव का जो स्टेटमेंट वो इस तरीके से फैला रही हैं और दर्शकों के मन में ऐसा बैठ रहा है कि इजाज़ ये तोहमत उन पे लगा रहा है, ये सही है या गलत, वो इनडायरेक्टली अली से पूछेंगे अली ये जो बोल रही हैं वो सही है कि नहीं। तो अली बोलते हैं कि सर अगर किसी को किसी की बात से बुरा लगता है तो उसको क्लियरली उसको इग्नोर करना चाहिए, अगर उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है तो उसको उस पर एक्सप्लेनेशन या लड़ाई झगड़े करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मतलब कि किसी के बोलने से कोई कुछ नहीं होता, ऐसा अली बोल देते हैं और दर्शकों को या शो के जो भी लोग देखने वाले हैं उनको समझ में आ जाता है कि ये स्टेटमेंट जो था वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और घर वाले इसको कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। तो सलमान खान इज़ द बिगेस्ट पर्सन जो घर वालों को समझाते हैं, उनकी गलतियाँ बताते हैं कि वो कहाँ पे गलत जा रहे हैं। बट दर्शकों से मेरी राय है कि वो इस आपके फेवरेट शो को देखते रहिए और ये एनालाइज करते रहिए कि आपके हिसाब से कौन जीतने वाला है बिग बॉस, क्योंकि मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है बिग बॉस देख के और आप लोगों से हाईलाइट शेयर करके भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं ऐसे छोटे छोटे बाइट्स आप लोगों को देती रहूँगी शो के बारे में। कीप वॉचिंग मी, कीप सेंडिंग योर लाइक्स एंड अपडेट्स एंड कमेंट्स। थैंक यू।